आज डिसेंबर 9 तारीख शुक्रवार मुझे आपण मानक स्वागत करुच्ची। आसतु राज्य तथा देश विदेश खबर उपर नजर पकाइबा ता पूर्वर आपण मानक अनुरोध आपण मान भलपाइवा सहित न्यूज टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिंतु। आसतु संपूर्ण खबर जानवा। उद्घाटित होइछि हीराकुद इको रिट्रीट 2022। हीराकुद को राज्य तथा राज्य बाहर पर्यटक मानक आकृष्ट करने द्वितीय वर्ष पर आयोजित होइछि। यही हीराकुद इको रिट्रीट बल्लभपुर ठारे आसंता फेब्रुवारी शेष पर्यंत चलिबो। वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम रे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक वार्ता दे हीराकुद इको रिट्रीट सफलता कामना करिया सह हीराकुद इको रिट्रीट को उद्घाटन करथिले। एतिसह पश्चिम ओडिसा रे पर्यटक मानक आकृष्ट करिबारे हीराकुद इको रिट्रीट बड़ भूमिका रहे बोली कहिछन्ते। परवर्ती खबर, बंगोपसागर सक्रिय रही बात्या मांडस। दक्षिण पश्चिम और यार आखपाख दक्षिण पूर्व बंगोपसागर सृष्ट गभीर अवपात घनीभूत हो एक साइक्लोनिक स्ट्रम परिणत हो जार नाम मांडस रखाई। बात्या प्रभाव पर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और पंडुचेरी येलो आलर्ट जारी कर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सत्यतम रिपोर्ट अनुसार बात्या मांडस कराईकाल 460 किमी दूर केन्द्रित रही। क्रमशः यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिखा गति कर और यह उत्तर तमिलनाडु पंडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश उपकूल दे अतिक्रम कर। पंडुचेरी और श्रीहरिकोटा दे अतिक्रम करने बेले पवन बेग घंटा प्रति 70 किलोमीटर रहा। डिसेंबर 9 मध्यरात्र अतिक्रम कर। जदिओ ओडिशा उपर संभाव्य बात्यार सीधासाख प्रभाव पड़ा ना तेज बाल्यवय जड़ित मेघ समूह प्रभाव में 10 और 11 तारीख दक्षिण ओडिशा किसी जिले में स्वल्प रु मध्यम धरण वर्षा होपे। एने भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान कर। दक्षिण ओडिशार मलकानगिरि कोरापुट रायगड़ा नवरंगपुर कलाहांडी कंधमाल गंजाम गजपति जिला गोटे दुईट स्थान में स्वल्प रु मध्यम धरण वर्षा होवार संभावना रही। एने आंचलिक पाणीपाग केन्द्र ट्विट कर सूचना दे। परवर्ती खबर, एटीएम रु बाहर सुना। सुनिकी आश्चर्य लगुले घटनाटी सत। तेलेंगाना गोल्ड सिक्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एक फिकनेट कंपानी हाइद्राबाद एक एटीएम खोली। हेले एटीएम रु टा बदल में सुना बाहर। ग्राहक मैंने एटीएम को जाई क्रेडिट और डेबिट कार्ड व्यवहार कर मात्र अल्प सेकेंड्रे एटीएम रु सुना कॉइन किनिपारे। यही व्यवस्था द्वारा पूर्व अपेक्षा सुना नवेश को आहरी सहज कर गिफ्ट और नवेश उद्देश्य अनेक लोक सुध सुना किनिवाकु चाहती हेले केउटिना केउटी सेमाने ठकामीर शिकार होइथांती। तेबे एही कंपनी ग्राहकक एही समस्यार समाधान करिछि। गोल्ड सिकार गोल्ड एटीएम कॉइन प्रा शुद्ध और हॉलमार्क ग्राहक माने 100 ग्राम पर्यंत सुना मुद्रा किनि परबे। एथिपय ग्राहकक पय 8टी ऑप्शन रहिछि जथा 5 ग्राम 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम और 100 ग्राम। एथिपय डेबिट कार्ड रो आवश्यकता रहिछि। एया हेउछि विश्वर प्रथम रियल टाइम गोल्ड एटीएम मशीन। आगामी दिन में कंपनी एयरपोर्ट पुराणा सिटी गोल्ड एटीएम प्रतिष्ठा योजना करस। राज्य में अन्य सहर गुड़िकटीएम प्रतिष्ठापी कंपानी को अर्डर मिली। परवर्त खबर, चाकरी खोजुवा युवक युवती एक खुशी खबर। कैंटेनमेंट बोर्ड पक्षर 123 पदवीपी विज्ञापन बाहरी। प्रार्थी मैंने जूनियर क्लर्क आरएमओ आसीस्टाट टीचर और अन्य पदवी मान सीधा सख निति पारे। डिसेंबर मास 1 तारीख ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो डिसेंबर 26 पर्यंत चलो। कैंटेनमेंट बोर्ड विभिन्न शाखापी आवेदन तारीख अलग अलग रही। से हीपरी प्रार्थी बयस 23 वर्ष रु 35 वर्ष मध्ये रहा आवश्यक। प्रार्थी 8म 10म डिप्लोमा डिग्री एमबीएस पास कर आवश्यक। जनरल एक्स सर्विसमैन 1200 ओबीसी 1000 एसएससी 800 टाँचा आवेदन फिस् करने को पड़ो। समस्त शाखापी पदवी संख्या अलग अलग रही। परवर्ती खबर, दिल्लीर एभली एक मार्केट रही जोटी टी सार्ट मात्र 1 टाँचा मिलूँ आउ 10 टाँचा बिक्री हो पैंट। एक आपण मानक विश्वास हो नु सत। यही मार्केट पश्चिम दिल्लीर रघुवीर नगर जहाँ घोड़ा मंडी नाम परिचित। दिल्ली में रोकवा अनेक लोक बोध हुए यह मार्केट थी जाणी नए। जदि आपण ड्रेस किणवाकू अधिक टाँचा नहीं चिंता करूँ यही मार्केट को आसतु जो स्वेटर 20 टाँचा लेहंगा 60 टाँचा कोट 120 टाँचा केवल से नुहे 1 टाँचा टी सार्ट और 10 टाँचा पैंट और 20 टाँचा शाढ़ी किनिपारे। एटि रेट कहीं कम रिसाइकलिंग हबर केन्द्र हो मार्केट पुराणा पोषाक को नुआक बिक्री कराए जहाद्वारा गरीब मैंने नुआ तथा भल पोषाक किणीपर कम दाम जो खूब शीघ्र सब बिक्री हो जाए कारण एठाकर व्यवसायी मैंने दिल्ली विभिन्न कलोनी बुल घर घर पुराणा पोषाक संग्रह करती। से ही पोषाक गुड़िक रिसाइकलिंग कराए ड्रेस को धुआ जावा सह आईरन दि जाए से सब बिक्री उपयोगी होता है। केवल जे किणवाई लोक जाती से कथा नुहे जो मैंने पुराणा पोषाक बिक्री देवा चाहती से मार्केट को बिक्री करने आपरिक दिल्ली मंगल बजार और तिलक नगर पर सस्ता स्थान कि बाहर राज्य में बिक्री कर बेस 2 पैसा रोजगार करती दोकानी।
ଜଣେ ଭେଣ୍ଡରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 50 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିବା ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ସେ 150 ଓ 200 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5 ମାସ ହେଲାଣି ମିଳୁନି ରାସନ ଚାଉଳ, ମାଗିଲେ ମିଳୁଛି ଧମକ, ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି 5 ଗାଁର 100 ଲୋକ, ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଲୋକେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମାସେ କି 2 ମାସ ନୁହେଁ ବରଂ 5 ମାସ ହେଲାଣି ମିଳୁନି ରାସନ, ଆଉ ନିଜ ପ୍ରାପ୍ତ ବାବଦକୁ ମିଳିଥିବା ଚାଉଳ କଥା ପଚାରିଲେ ମିଳୁଛି ଖୋଲା ଧମକ, ଏମିତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରାଞ୍ଚଳରୁ। ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରା ବ୍ଲକ ଡୁଙ୍ଗୁରା ପଞ୍ଚାୟତର 5ଟି ଗାଁର ପ୍ରାୟ 100 ଲୋକଙ୍କୁ 5 ମାସ ହେବ ମିଳୁନି ରାସନ, କାହିଁକି ରାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ଏନେଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବି କିଛି ସୂଚନା ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତର ଶଶିକାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ଡିଲର ଅଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କିଶୋରନଗର, ଅଳତା, ରାମକୃଷ୍ଣପୁର, ବରୁଣପଦୀ ଓ ସୁବୁଳିଆପାଟଣା ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ ଦେବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେମାନେ ରାସନ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତିକି କରୋନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଗଣା ଚାଉଳ ମିଳିଥିଲା ତାହା ବି ଠିକ୍ରେ ବିତରଣ କରିନାହାନ୍ତି ଡିଲର, କିନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ଦିଆଯାଇଥିବା ରେକର୍ଡ କହୁଛି। ଜଣେ କି 2 ଜଣ ନୁହେଁ, ଏମିତି 100 ଜଣଙ୍କ ରାସନରେ ଗଲତି ହୋଇଛି, ଆଉ ସତ ଜାଣିବା ପରେ ହାତରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧରି ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ସରକାର ଦେଉଥିବା ଗଣ୍ଡେ ଚାଉଳରେ ଏମାନଙ୍କ ସଂସାର ଚାଲେ, ହେଲେ ଏହି ଖଟିକିଆଙ୍କ ପେଟରେ ନାତ ଦେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଡିଲର ମହାଶୟ। ଡିଲରଙ୍କ ମନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ, ହେଲେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ କେବଳ ଏତିକିରେ ସରିନି, ବରଂ ଚାଉଳ ଆଣିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ଡିଲରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନେଇ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବନି ପିଏମ୍ କିଷାନ 13ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ସମଗ୍ର ଦେଶର ଚାଷୀମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ 13ତମ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନକଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ 2 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଲିଷ୍ଟରୁ ହଟାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ କଟାଯାଇଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲଗାତାର ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଫିଲ୍ଟର ଲଗାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧାରକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା KYC କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପିଏମ୍ କିଷାନ 13ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଲିଷ୍ଟରେ ନିଜ ନାଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏପରି କରନ୍ତୁ ଚେକ୍। ନାଁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ୱେବସାଇଟ୍ pmkisan.gov.in କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଏହାର ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ମର କର୍ଣ୍ଣର ଅପସନ୍ ମିଳିବ। ଫାର୍ମର କର୍ଣ୍ଣର ସେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ବେନିଫିକାରୀ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଭଳି ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଏକ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ଆପଣ ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ନିଜ ନାମ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ।